बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सैम ट्रू चैनल के प्यारे व्यूअर्स। व्यूअर्स, आप टाइटैनिक के बारे में तो जानते होंगे, एक ऐसा जहाज जिसके बारे में दावा किया गया था कि वो कभी नहीं डूबेगा और यही तकब्बुर उसको ले डूबा था। आज आपको मैं उस जहाज से मुंसलिक एक ऐसे खुशकिस्मत किसान की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसको कुदरत ने इस जहाज के साथ डूबने से बचा लिया था। जब लोग 1912 में टाइटैनिक और उसके ड्रामाई तौर पर डूबने के बारे में सोचते हैं तो वो उन बदकिस्मत मुसाफिरों का तसव्वुर करते हैं जो जहाज के साथ डूब गए थे। 2240 मुसाफिरों और अमले पर मुश्तमिल जहाज, जिसमें से 1500 से ज्यादा तादाद में मुसाफिर लुकमाए अजल बन गए। मरने वालों में कुछ मारूफ शख्सियात भी थी, लेकिन तबाहकुन आइसबर्ग ने किसी की परवाह न की। एक कभी ना डूबने वाले जहाज के नाम से तकब्बुर की ये निशानी, जिसमें हर तबके के लोग सफर कर रहे थे और वो इंसानी महारत की एक तारीख रकम करना चाहते थे। बेशक उनकी कहानियां तारीख का हिस्सा तो बनी हैं, लेकिन तकब्बुर के अंजाम के तौर पर। लेकिन इन शख्सियत के बारे में क्या ख्याल है जो इस सफर से महरूम रहे? उन लोगों के क्या रद्द अमल होंगे जब उन्होंने टाइटैनिक के डूबने की सुर्खियां पढ़ी होंगी? उन्हीं खुशकिस्मत लोगों में से एक शख्स की कहानी जो हमारे लिए एक सबक है। जब टाइटैनिक के सफर के लिए टिकट बुक हो रहे थे तो एक शख्स क्लार्क, जो कि किसान था, उसकी शदीद ख्वाहिश थी कि वो अपने 5 बच्चों और बीवी के साथ इन अमीरों की शिप पर सफर करे। उसने 7 टिकट बुक करवा लिए। उसने अपनी जिंदगी की तमाम जमा पूंजी टिकटों पर लगा दी थी। वो बहुत खुश था और बस 10 अप्रैल बुध के दिन का इंतजार कर रहा था जब वो इस आलीशान जहाज का हिस्सा बनने वाला था। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। हुआ कुछ यूं कि सफर से ठीक 7 दिन पहले उसके पालतू कुत्ते ने उसके एक बेटे को काट लिया। बच्चा बहुत बीमार हो गया, यहाँ तक कि टाइटैनिक की रवानगी का दिन आ गया। टिकट भी रिफंडेबल नहीं थे। क्लार्क की बीवी ने उसको बहुत कहा कि वो बाकी के 4 बच्चों के साथ चला जाए, लेकिन क्लार्क का दिल किसी तरह ना माना। वो अपने बीवी बच्चों को इन हालात में छोड़कर नहीं जाना चाहता था। उसने टाइटैनिक को रोती आंखों और भारी दिल के साथ अलविदा किया, जो एक तरह से उसकी सारी जिंदगी की जमा पूंजी और ख्वाबों को अलविदा करना था। जहाज की रवानगी के 5 दिन बाद उसने सुबह अखबार उठाया तो पहली शह सुर्खी जहाज के बर्फानी तोदे से टकरा कर डूबने की थी। वो साकित था। आज वो अपने आप को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान समझ रहा था। जिस कुत्ते को वो एक हफ्ते से कोस रहा था, आज उसको अपने उस कुत्ते पर बहुत प्यार आ रहा था। यकीनन कुदरत के हर काम में कोई मसलहत होती है। हमारी रोजमर्रा जिंदगी में कितने ही वाक्यात होते हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं। हम अपनी तरफ से प्लानिंग करते हैं, मेहनत करते हैं, जब वो हम कामयाब होते हैं तो वो कामयाबी हमारे अपने खाते में आती है। लेकिन जब हम नाकाम होते हैं तो हम अपनी किस्मत को कोसते हैं या मायूसी या डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। हमें नहीं पता होता कि अपनी जिंदगी में किए गए फैसले नफे में जाएंगे कि नुकसान में जाएंगे। मुस्तकबिल की पेशिन गोई कोई नहीं कर सकता। बहुत सी चीजें जो आज हमारे लिए उदासी का बाइस होती हैं, कुछ अरसे के बाद पता चलता है कि ये सब तो हमारी बेहतरी के लिए था। बस मेहनत और ईमानदारी का सिला हमेशा मुस्तकबिल में एक इनाम के तौर पर वापस मिलता है, क्योंकि असल प्लानिंग तो अल्लाह ताला ने की होती है। ये बेशक मायूसी कुफ्र है। नाज़रीन, आज की आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।